अरे विवेक भाई अरे आ गए क्या आप। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और आप देख रहे हैं जेनेक्स। तो सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि इस चैनल पे 1,000 सब्सक्राइबर्स पूरे हो चुके हैं, जो कि आप लोगों के प्यार की वजह से हुआ है। तो ऐसा ही प्यार हमेशा बनाए रखिएगा, ऐसी ही वीडियो आगे भी आती रहेंगी। तो आज का टॉपिक जो है हमारा JBL का स्टूडियो मॉनिटर, जिसका मॉडल है 308P Mark II, जो कि नया मॉनिटर कंपनी ने लॉन्च किया है। इसे काफ़ी टाइम हो चुका है मार्केट में आए हुए, उसे आज हम लोग अनबॉक्स करेंगे और देखेंगे कि ये कैसा होता है और कैसा देखने में लगता है। तो चलिए दोस्तों, आ जाइए हम देख लेते हैं इस मॉनिटर को। तो सबसे पहले इस मॉनिटर का बॉक्स ऐसा है। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि मैंने इसको पहले अनबॉक्स कर लिया था, क्योंकि हम लोगों को इसको टेस्ट करना था इस वजह से। तो सबसे पहले आप जैसे देखेंगे यहाँ पे JBL का ब्रांडिंग आ जाता है, JBL प्रोफेशनल बाय हरमन। यहाँ पे इसका मॉडल नंबर लिखा है Series 3 Mark II पावर्ड स्टूडियो मॉनिटर 308P Mark II, इसका मॉडल नंबर है। ये सिंगल सिंगल बॉक्स की पैकिंग में आता है। इस कोने पे देखेंगे तो यहाँ पे इसका सीरियल नंबर वगैरह दिया हुआ है, और इस तरफ मैं घुमा के दिखाऊँ तो यहाँ पे एक टैग लगा हुआ है जिस पे लिखा हुआ है फ्रेजाइल, प्लीज डू नॉट क्रश, डू नॉट क्रॉक। और इस तरफ से देखेंगे तो सेम वैसा ही ये नज़र आता है, और इस तरफ इसका कुछ डिटेल्स दिया हुआ है कि कब इसका इंपोर्ट हुआ है और ये कहाँ पे बना है। जैसे कि आप देख सकते हैं कंट्री ऑफ ओरिजिन चाइना, चाइना मेड है ये। और इसका MRP जो कंपनी ने दिया हुआ है 28,150 दिया हुआ है, और इसके नीचे यहाँ पर है मंथ एंड ईयर ऑफ इम्पोर्ट, मतलब कि ये 9वें मंथ 2020 में इम्पोर्ट हुआ है इंडिया के अंदर है। और बाकी यहाँ पे कंपनी डिटेल से इम्पोर्टेड बाय फॉर कंप्लेंट एंड क्वेरीज, यहाँ पे पूरा डिटेल दिया हुआ है। तो चलिए दोस्तों, अब कर लेते हैं हम जल्दी से इसको अनबॉक्स और देख लेते हैं कैसा ये स्पीकर है। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको ये लिड हटा के दिखा दूँ। मैं पहले बता चुका हूँ दोस्तों कि मैंने इसको पहले अनबॉक्स कर लिया था, क्योंकि इसको हमें टेस्टिंग करना था। तो उसके अंदर जैसे ही हम बाहर का बॉक्स खोलते हैं तो अंदर एक और बॉक्स मिलता है हमें। तो मैं जल्दी से इस बॉक्स को निकाल के आपको अंदर वाला बॉक्स दिखाता हूँ। जैसा कि इसे ऊपर करके निकालना पड़ रहा है, ये जो बॉक्स है ये उल्टा होके निकला है, क्योंकि ये सीधा रखा था पहले, इसीलिए ये उल्टा होके निकला है। अब यहाँ पे आ जाइए दोस्तों, हम देख लेते हैं इसके फीचर्स। ये जो बॉक्स है पूरा ऑरेंज कलर में है, यहाँ पे बहुत सारी डिटेल्स लिखी हुई है अलग अलग लैंग्वेजेस में। सामने सबसे पहले इस मॉनिटर का व्यू आ जाता है कि ये किस तरीके का है। 8 इंच का ये मॉनिटर है, यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है 8 इंच पावर्ड स्टूडियो मॉनिटर। यहाँ पे इसका बैक पैनल का फोटो दिया हुआ है, स्पीकर्स, बेस, पोर्ट जो है, साथ में इसकी सेटिंग्स वगैरह का फोटो दिया हुआ है। तो दोस्तों इस तरह देखिए, इसके कुछ फीचर्स हाईलाइट किए हैं, जैसे JBL इनोवेशन एंड क्वालिटी, योर म्यूजिक नीड्स अ पॉइंट ऑफ रेफरेंस, JBL LSR डिज़ाइन, LSR का ये अपग्रेड मॉडल है। तो दोस्तों चलिए अब इसे निकाल लेते हैं बाहर। सबसे पहले हम ढक्कन हटाएंगे तो हमें ये कुछ थर्माकोल मिलेगा, उसके बाद मिलेगा ये यूज़र मैनुअल, जिसमें सबसे पहले आप लोगों को ये ध्यान देना है, कभी भी ये देखिए इसमें पहले इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कि बॉक्स को, स्पीकर को सीधा बाहर नहीं निकालना है, इस बॉक्स को इस थर्माकोल के साथ उल्टा करना है और बॉक्स को ऊपर खींचना है, ये इसलिए ताकि हम उसके ट्विटर को डैमेज ना कर दें। चलिए दोस्तों इस बॉक्स को हम बाहर निकाल लेते हैं। बहुत ही आसानी से बाहर आ जाता है दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने पहले ही इसे खोल लिया था, तो ये थोड़ा सा फट गया है, बाकी ये आता तो पूरा पैक है। ये सिलिका वगैरह है मॉइस्चर के लिए, और इसके साथ एक पावर केबल मिलता है, और इसके साथ और भी कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि ये साथ में छोटे छोटे डॉट्स देते हैं, ये अलग से आती है, मैंने पहले चिपका दिए हैं, ये अलग से आती हैं ताकि आप इसे नीचे चिपका दें, और ये क्योंकि इसमें कुछ भी लगा हुआ नहीं आता, और साथ में आप चाहें तो इसको मॉनिटर स्टैंड पर भी रख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हम इसको बाहर निकाल देते हैं।
तो दोस्तों ये आ जाता है सामने हमारा मॉनिटर। इसमें एक ही गलती हमें दोस्तों नहीं करना है कि इसे कभी भी सामने से इस तरीके से नहीं पकड़ना है। इसके ऊपर एक और ये प्रोटेक्शन शील्ड लगी होती है, इसे मैं हटा देता हूँ। दोस्तों ऐसा कुछ सामने से दिखता है ये मॉनिटर, काफ़ी अच्छा ग्लॉसी फिनिश है ये सामने से। ये कुछ दाग वगैरह लग गए थे हमने जब टेस्टिंग की थी। तो ये सॉफ्ट डोम ट्विटर है, बस हमें इसे ही डैमेज से बचाना है। और ये सामने इसका स्पीकर 8 इंच का दिया हुआ है। और जो बोर्ड है इसका बिल्ड तो MDF बोर्ड लग रहा है दोस्तों। कंपनी ने डिक्लेयर तो नहीं किया है, डिस्क्लोज नहीं किया है कि ये किस मटेरियल का बॉक्स है। और पीछे आप जैसे देखेंगे तो यहाँ पे बेस का वेंट दिया हुआ है, एक गेन कंट्रोल दिया हुआ है, बेसिकली वॉल्यूम कंट्रोल जो कि है। और यहाँ पे XLR और TRS इनपुट दिया हुआ है। साथ में देखेंगे यहाँ पे आगे तो यहाँ पे जो है बाउंड्री EQ है जो कि बेस फ्रीक्वेंसी पे काम करता है। यहाँ पे इसका डिटेल है, 70 Hz पे ये काम करता है, जिसमें -3 dB, -1.5 dB और 0 dB पे आप रख सकते हैं आपके यूसेज के अकॉर्डिंग। और साथ में यहाँ पे HF ट्रिम का भी ऑप्शन है जो कि आप अपने रूम के अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकते हैं, जिसमें -2 dB और +2 dB है। इनपुट सेंसिटिविटी का स्विच यहाँ पे है दोस्तों, इसमें +4 dB एंड -10 dB V है। इसका आप खास ध्यान रखेंगे दोस्तों, यहाँ पे ऑन ऑफ स्विच आ जाता है, यहाँ पे पावर प्लग आ जाता है। तो दोस्तों ये था हमारा मॉनिटर, सामने से कुछ इस तरीके दिखता है, बाकी साइड में पिंकी नहीं है, प्लेन फिनिश है दोनों तरफ में। कुछ समय बाद हम इसकी टेस्टिंग भी करेंगे, जिसकी वीडियो आपको बहुत ही जल्द मिल जाएगी। बाकी टेस्टिंग क्वालिटी तो मैं इतना नहीं दे पाऊँगा क्योंकि मेरे पास अच्छे कुछ इक्विपमेंट नहीं है कि मैं इसको अच्छे से रिकॉर्ड कर सकूं, बट देखेंगे हम कोशिश करेंगे कुछ अच्छा सा रिकॉर्ड करके दे सकें आपको। तो ये था दोस्तों हमारा JBL का मॉनिटर, और भी इसमें बहुत कुछ है, आप देखेंगे आगे क्या होता है, कैसा चलता है इसकी क्वालिटी। वैसे तो हमने जहाँ टेस्ट किया था बहुत अच्छा इसका क्वालिटी है, बेस रिस्पॉन्स भी बहुत अच्छा है। आप मॉनिटर जो है प्रोडक्शन पर्पज़ के लिए जैसे लेना चाह रहे हो तो बहुत अच्छा मॉनिटर रहेगा, बजट में भी आ जाता है। अमेज़ॉन वगैरह पे देखेंगे तो काफ़ी कम रेट में आपको ये मिल जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। और जाते जाते इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए इस वीडियो को अपने दोस्तों और फ्रेंड्स के साथ जो इस का डिटेल में अनबॉक्सिंग चाहते थे। तो ये था इसका अनबॉक्सिंग 308P JBL का स्टूडियो मॉनिटर। चलिए दोस्तों टाटा बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।